ये ब्लॉग थोड़ा सा रैंडम शुरू हो रहा है कि मैं अभी टेस्ला खड़ा हूँ और बाइक ये खड़ा है। एक्चुअली मेरा बाइक गिरा है यार, काफ़ी सारे स्क्रैचेस आए हैं, थोड़ा सा डैमेज हुआ, तो अभी मैं जा रहा हूँ इसको थोड़ा सेट करवाना है। यहाँ से भी पूरा टूट गया, यहाँ से ये स्क्रैचेस देख सकते हो, माइनर स्क्रैचेस हैं, क्लच भी इसका काफ़ी लूज़ हो गया और ये जो इसकी नीडल है ये भी काफ़ी शेक कर रही है। बाइक का काम हो रहा है, हो गया तकरीबन, थोड़ी सी सेटिंग है, थोड़ी सी ट्यूनिंग है और आज सुबह से लाइट नहीं है, पता नहीं क्या मसला बना हुआ है, लाइट का बहुत ज़्यादा इशू है यार। इसकी ये लाइट भी जो है ना, बीम वो भी इसका फ्यूज़ है, हाई पे काम कर रहा है और लो पे काम नहीं कर रहा, अभी ये चेंज कर रहा है भाई। तो यार अभी लाइट चेंज हो रही है और साउंड चेक कराता हूँ मैं, थोड़ा सी रेस दो। हजार ऑन था मैं, हाँ लो यार लाइट ठीक हो गई है। एक तो तबाही की गर्मी है, ऊपर से रश देख सकते हो कितना है यहाँ पे, फुल पीछे तक ब्लॉक है वहाँ से क्योंकि ये रोड नहीं बन रही है यहाँ पे। मैं अभी एटीएम में आया, मुझे कुछ कैश चाहिए था। अच्छा तो यार लाइट तो लग गई है लेकिन इसका जो थ्रो है वो उस तरह नहीं है जिस तरह जैनवन का था, तो आई थिंक शायद मैं LED लगवाऊँ इसके अंदर। और मज़े की बात यह, जब मैं लो करता हूँ तो ये हाई होती है और हाई करता हूँ तो लो होती है। डे टू, तो जैसा कि तुम लोगों ने देखा कल मैंने बाइक का काम करवाया था लेकिन जो उसकी हेलोजन लाइट थी, जो हेड लाइट थी, वो बिल्कुल ही बेकार है, उसकी थ्रो बहुत ही बेकार है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये लगवाऊँ LED लाइट्स, क्योंकि बहुत पहले मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट की थी लेकिन उस वक्त पता नहीं क्या हुआ था, मैंने ये उतार दी थी, मुझे इतनी पसंद नहीं आई थी, बट ये ज़्यादा प्रैक्टिकल है आई थिंक, सो ये लगवाता हूँ, इंस्टॉल करवाता हूँ बाइक में, और अगर ये नहीं अच्छी लगेंगी तो दोबारा जेन्युइन होंडा वालों का हैलोजन बल्ब है वो ख़रीद के इंस्टॉल करूँगा। तो चलो चलते हैं बाहर, फिर देखते हैं क्या होता है। पकड़ूं भाई ये LED बल्ब लग रही है, अभी देखते हैं कैसी है। लाइट लग गई है जी, बैटरी तो आया सा जी, बैटरी ना चल सी डायरेक्ट, बैटरी ऑन करो दा, जबरदस्त चलो छोड़ो। आज के ब्लॉग में बस इतना ही और मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक बाय।